नमस्ते, हाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, इट्स सो बॉय विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं अभी कर रहा हूँ प्रिया और का वेट। वो जैसे आएगी फिर हम यहाँ से जाएंगे सन एंड मून, फिर वहाँ पे हमको मतलब ऑटो मिलेगा, फिर वहाँ से जाएंगे हम लोकेशन पे जहाँ पे भैया को बुलाया है। लोकेशन पे पहुँचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। यहाँ से मतलब मान लो बहुत दूर है, एयरपोर्ट है ना, वहाँ पे है लोकेशन। अभी देखते हैं प्रिया और कितने टाइम में आएंगे। सो गाइस, आज भीड़ देखो यार, ये तो हद से ज्यादा महारैली है। मेरे को तो ये बात पता नहीं थी कि आज महारैली है। भीड़ देखो, मतलब पूरा यहाँ से लेके 3-4 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, बीच बीच रोड पे भी। जिस रोड पे कहीं बस चलती थी वहाँ, मतलब बस ही चलती थी वहाँ पे, सारी गाड़ियों को जाम दे रहे लोग। देखो कितनी आगे पीछे सिर्फ भीड़ ही भीड़ है पूरी। अभी हम लोग क्लब 007 पहुंच चुके हैं। यहीं पर इसका बोर्ड लगा है और ये रहे सारे उस वाले ऑटो से आए थे हम, बोरा ऑटो, उसी ऑटो के अंदर से आए। और अभी चलते हैं अंदर। अभी तो पहले भैया का वेट कर रहे हैं कि भैया कब आएंगे, उसके बाद ही हम लोग अंदर जाएंगे। थर्ड फ्लोर नीचे करने के लिए बना। अबे ऊपर घर, अरे मतलब नीचे अरे जल्दी लोग नहीं आएंगे भाई, चलो लेट हो जाओगे, जल्दी आओ, जल्दी चलो चलो चांदपुर से निकल के छोड़ा रहा, चलो चलो चलो। तो गाइस अभी हम बाहर आए हैं क्लब के, अभी तक भैया आए ही हैं। भैया थोड़े लेट हो गए क्योंकि आज ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक है, तो भैया थोड़े लेट हो गए इस वजह से। बाकी अभी हम बाहर जा रहे हैं घूमने, क्योंकि क्लब के अंदर बैठे बैठे ऐसे इंग्लिश गाने चल रहे हैं और बीट इतनी खतरनाक बज रही है ना कि सर दर्द होने लग जा रहा था मेरे को। तो इस क्लब में आप लोग को पता है कि इंग्लिश गाने हमारे एक खास क्लब को दूसरे गाने में मैं जस्टिन बीबर के नहीं चला रहा, सिर्फ जस्टिन बीबर के समझ आते हैं, समझ नहीं मतलब पल्ले पड़ जाते हैं थोड़े थोड़े। तो अभी तो चलते हैं यार बाहर की साइड की, कुछ हो रहा हो बाहर क्या पता, माहौल देख के आते हैं बाहर का। आप पीछे देख सकते हो भैया के इतने सारे फैंस है एक साथ, यार बहुत अच्छा लग रहा है सही में, मजा आ गया ना बहुत। अरे भाई बहुत मजा आ गया। सो गाइस मैं घर पे आ चुका हूँ, अभी आरती पढ़ाई कर रही है, मम्मी यहाँ पर खाना खा रहे हैं और ये यहाँ पर डेमो मार रहा है वो भी कैमरे के अंदर। बाकी अभी तो मेरे को बहुत ही तेज भूख लग रही है तो सबसे पहले खाना खा लेता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, मैं जैकेट पहन के नहीं गया था, तो ये जैकेट सत्यम ने दिया था मेरे को, जिससे थोड़ी सर्दी कम लगी मेरे को। खाने में आज चावल, इसमें होगी दाल, मेरा दाल नहीं है यार आज तो, कट नहीं दाल ही है, कड़ी है, मेरा फेवरेट खाना बना है। रोटी भी चलो गर्म है और ये उसकी चटनी है, मूंगफली की चटनी है ये। चलो दाल चावल आ चुके हैं, रोटी तो लेके आ। और ये वो है क्या बोलते हैं उस रेस्टोरेंट में काम करते हैं ना, जैसे घर के अंदर हमारी काम वाली भाई है, और ये हमारे खाना बनाने वाले, ये रोटी रखने वाले। चलो अभी सबसे पहले खाना खा लेते हैं। ये किसकी बुक है 10th की? मेरी। हाँ 10th में तो तू ही है बस हमारे। सो गाइस ये देखो हमारी बचपन की फोटो और अभी की फोटो। बचपन की नहीं है वो 2017 की। हाँ मतलब 2017 की, इसके अंदर मतलब 2017 में देखो मैं कैसा लगता था, आरती हम दोनों। और अरे बंद हो गया तो फोन ही, बहुत जल्दी बंद होता है।
और अभी देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ ना, ये देखो अभी की और 2017 की फोटो। मैं यूट्यूब चेक कर रहा था तो तुम एक को मतलब एक चैनल मिला जो मेरा ही चैनल था, 2016 की बात है शायद, 16 के लास्ट में जब मैं वाइन्स भी बनाता था और एक वाइन की या दो तीन वाइन की वीडियो बनाई थी, जिसमें दो वीडियो तो पता नहीं मैंने कौन से चैनल पर डाली थी, वो मेरे को याद नहीं है। एक वीडियो उस पर मेरे को मिली गली क्रिकेट की, वो देखी मैंने, मैं देखा यार मैं उस टाइम पे कैसे मतलब उस टाइम मतलब कुछ नॉलेज थी नहीं इतनी, बस था कि हाँ हमको भी यूट्यूबर बनना है। और अभी का टाइम है और आज से 2-4 साल पहले का टाइम है, इतने साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ताकि इस चैनल को बनाए हुए मेरे को शायद 1.5 से 2 साल हो चुका है, 1.5 साल मेरे को इस चैनल पे ब्लॉगिंग करते हुए हो गया है। बाकी तो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, आप सबका सपोर्ट चाहिए बस। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ तो मेरे को बहुत ही तेज नींद आ रही है और थोड़ा मेरा सर भी दर्द हो रहा है, इसलिए अभी मेरे को मन कर रहा है कि मैं सो ही जाता हूँ। अपन मिलते हैं सुबह, जब तक के लिए गुड नाइट। सामने बच्चे देखो क्रिकेट भी खेल रहे हैं, पतंग भी उड़ा रहे हैं, बच्चों के पास चलते हैं। ये देखो हेलो हाय बोलो हाय, अरे बच्चा तो भाग ही रहा है। और तेरा नाम क्या है? मेरा सरफ। और इसका लोबी है? नाम भी नहीं पूछ सकते क्या? नहीं पूछ सकते? नहीं। तो तू अपना बता दे क्या नाम है। नहीं पता। नीरज। अच्छा ये बच्ची को देखो, बिंदी लगा रखी है बच्ची। किसने लगाई बिंदी? हाँ बता ना, शर्मा की रही है। इधर देख किसने लगाई, हटा दी बिंदी, हटा दी। बच्चों को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए किसी बच्चे ने मेरे को बिल्कुल भी मुंह ही नहीं लगाया, इतनी बुरी बेइज्जती मारी है सबों ने। बस जो पतंग उड़ा रहा था ना उसने तो इतनी बुरी बेइज्जती मारी, और जो चरखी लपेट रहा उसने थोड़ा हाय हेलो कर लिया। अभी मैं जस्ट स्कूल से आया हूँ और आज मेरा अकाउंट्स का पेपर था, वो मतलब 7:30 या 8 बजे बस आ जाती है, तो आज थोड़ा जल्दी आ गई, 7:50 पे आ गई, तो मेरी बस ही छूट गई। फिर अब मैं इतना मतलब हो गया था कि अब क्या होगा उसके बाद, तो जैसे कि पता ही है हमारे एक सर आते हैं उनके साथ में चल गया। 11:30 बजे पेपर स्टार्ट था, 11 बजे एग्ज़ाम रूम के अंदर जाना था, तो मैं तो 10 बजे स्कूल के अंदर पहुंच गया था। फिर मैंने एग्ज़ाम पूरा ख़त्म किया, ठीक ठाक गया पेपर मतलब अच्छा खासा गया, उसके बाद अभी घर पर आ गया। और लंच भी आज तो लेके नहीं गया, तो भूख बहुत ही तेज़ लग रही है, अंदर बिल्कुल भी लाइट ही नहीं आ रही, लाइट गई हुई है, देखना अभी अंदर चलते हैं। देखो पूरा अंधेरा हो रहा है घर के अंदर क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही, और आज ना धूप भी नहीं निकली बिल्कुल, मतलब थोड़ी सी अब जाके निकली है, सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं थी, और आज ठंड बहुत ही ज्यादा है। अभी मेरे को लग रही है बहुत ही तेज भूख, तो समय खाना खा लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ आपसे। सो गाइस अभी बनाए मम्मी ने थोड़ी देर पहले पोहे बनाए थे, अजय तू भी खा ले, मर गई है तो मैं अकेले खा लेता हूँ, 2 चम्मच है अभी, दोनों से मैं ही खाऊंगा अकेला। तू खा रही है? कम से कम ड्रेस तो उतार दे स्कूल की, यूनिफॉर्म भी नहीं उतारी, ठीक है मत खा सो जा, स्लीपिंग टाइम है अभी तेरा। साथ में चाय के साथ पोए, और मम्मी भी यहीं पे खा रहे हैं, और ये मोटी धमाधम चाय के साथ पोए खा जा रही है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है चलो चलो पहले चाय और पोए खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी जस्ट मैंने खाना खा लिया है, अब मैं जाऊंगा ब्लॉग अपलोड करने। बाकी ये वाली इनर है ना मेरी, बहुत 2-3 साल पुरानी है, तो मम्मी ने आज मेरे को ये पहना दी इनर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था इनर पहनने का, बट फिर मम्मी ने पहना दिया। तो अभी तो जाएंगे ब्लॉग अपलोड करने, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में भी गलती मुझसे ज़रूर बताना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ड्रॉप करके जाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंस्टाग्राम लिंक है, जाओ फॉलो करो। सो मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, बाय। मम्मी ने आज मेरे को ही पहना दी इनर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी ना, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं, अरे ये क्या हुआ।